हेलो गाइस, माय सेल्फ अमान सैफी। आप देख रहे हैं हमारा न्यू यूट्यूब चैनल टाइगर स्ट्राइकर्स। तो इसमें हम आपको फुटबॉल खेलना सिखाएंगे, जैसे कि फुटबॉल की स्किल्स, ड्रिबलिंग, पासिंग एंड एक्सेट्रा। तो आज का जो वीडियो है हमारा वो है फुटबॉल जंगलिंग के ऊपर। तो हम इसमें आपको फुटबॉल जंगलिंग सिखाएंगे, वो भी हिंदी में। तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। फुटबॉल जंगलिंग सिखाएंगे फोर स्टेप्स में। तो पहले स्टेप आता है करेंगे स्टार्ट, फर्स्ट स्टेप यानी कि पोजीशन। इसमें बॉडी में फुटबॉल जंगलिंग करते समय पोजीशन कैसी होनी चाहिए हमारी। तो सबसे पहले लेग से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पांव है उनमें थोड़ा गैप होना चाहिए, लगभग एक मीटर थोड़ा सा गैप होना चाहिए, आधा मीटर के करीब। और जो हमारी बॉडी है वो लिए स्ट्रोट होनी चाहिए, हमारी बैक भी स्ट्रेट होनी चाहिए। जो हमारी गर्दन है, नेक हो, थोड़ी सी नीचे की साइड होनी चाहिए, नीचे की तरफ झुकी हुई, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम फुटबॉल जंगलिंग स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं बिगनर्स के लिए। तो आपको अब ऐसे सही दिखाई दे रहा होगा, तो पहले आप बॉल पकड़ेंगे, थोड़ा गैप देके पाओ के बीच में बॉल को लेंगे, बैक स्पिन करेंगे और फर्स्ट टच करेंगे और हाथ में पकड़ लेंगे। फिर दोबारा बैक स्पिन लेंगे, लेफ्ट से टच करेंगे, हाथ में पकड़ लेंगे। और बॉल को जो किक करनी है वो टो से करने की कोशिश करना आप, टो से, ठीक है। फिर दोबारा करेंगे एक बार इस तरीके से, सही से देख लीजिए आप, इस तरीके से, इधर से भी देख लीजिए एक बार, ये इस तरीके से करनी है, हाथ में पकड़ लेना है। तो इसी तरह 25 टाइम्स वाले राइट से और 25 टाइम्स लेफ्ट से, 25 बार राइट से और 25 बार लेफ्ट से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जब आपको लगने लगे कि आप इसमें परफेक्ट हो चुके हैं, कि हर बार बॉल जो है वो आपके हाथ में ही आ रही है किक करने से, तो आप फिर थर्ड स्टेप पे बढ़ें और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से। हम थर्ड स्टेप की तरफ, इसमें हम सीखेंगे नंबर ऑफ टचेस इंक्रीज करना, कि आप फुटबॉल में नंबर ऑफ टचेस इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया था कि हम ऐसे बॉल को मार रहे थे और ऐसे पकड़ रहे थे, ऐसे बॉल को टच कर रहे थे और ऐसे हाथ में पकड़ रहे थे। अब ऐसा करना है कुछ समय के बाद, जैसे कि देखिए आप नंबर ऑफ टचेस बढ़ाने के लिए पहला लेते हैं आप, ऐसे करेंगे ये थ्री टच टू टच ऐसे लेंगे, मैंने ज्यादा कर दिया लेकिन आप कम लेना, ऐसे लेना, वन टू टू टच करें, फिर लेफ्ट से टू, वन टू, फिर ऐसे आप धीरे धीरे नंबर ऑफ टचेस इंक्रीज करते रहना। इससे क्या होगा, आपका नंबर ऑफ टचेस इंक्रीज होते रहेंगे, ऐसी प्रैक्टिस करना हो गया है। अब जैसे देख सकते हैं एक बार और देख लीजिए, ऐसे नंबर ऑफ टचेस इंक्रीज कर लेना आप। तो स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ स्टेप। बेसिकली फोर्थ स्टेप क्या है, जो हमने पिछली तीन स्टेप्स में जो हमने चीजें सीखी हैं वो अगर हमारी परफेक्ट हो जाए तो हम फोर्थ स्टेप की तरफ बढ़े। जैसे कि फोर्थ स्टेप में क्या है, कंटिन्यू जंगलिंग करना। तो आप देख सकते हैं एक बार के कैसे बॉल को नीचे रखेंगे इस तरह से और इसको पांव से उठाएंगे यूं और जंगलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपको हम बताएंगे बेसिक मिस्टेक्स, कि आप जंगलिंग करते हुए कौन कौन सी मिस्टेक्स कर सकते हैं। जैसे कि पहली मिस्टेक आती है आपकी पांवों की पोजीशन और बॉल की पोजीशन, बॉल आपकी इतनी दूर ना हो, थोड़ी पास हो बॉडी से, और जो बॉल जंगलिंग करते समय जो बॉल की जो हाइट होगी वो इससे नीचे नीचे रखनी है आपको, इतनी रखनी है। अगर इतनी रखेंगे तो अच्छा रहेगा, अगर आप इतनी हाइट रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और मिस्टेक साथ ये कर सकते हैं, एक बैक पोजीशन की, बैक जो है वो हमेशा सीधी रखना और ये नीचे ही देखना, ठीक है। और इन मिस्टेक्स ऐसे हो सकती है, जैसे कि आप मिस्टेक्स कर देंगे फुट की पोजीशन जो प्रॉपर नहीं लेंगे, फुट की जो पोजीशन है ये प्रॉपर लेनी है, ये आप कभी ऐसे लो सीधा फुट करके मत लेना, कभी आपका यहाँ से घुटना जाम हो आप ऐसे करके ले रहे हो, ऐसे नहीं, ये इस तरीके से, तभी तो जो है बॉल न्यू टच होगा, ये बैक स्पिन ये जैसे टच, ठीक है ना। बस यही थी कुछ मिस्टेक्स। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो थैंक यू आप।